आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोने चाहिए। हर जगह आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि अपने हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज करिए, जिसमें खास तौर पर हाथ धोने के सामान्य नियमों का पालन। साबुन से हाथ धोकर कोरोना से अगर बचना है तो हाथ धोना बेहद जरूरी है। लेकिन क्यों? इट्स बिकॉज सोप। कोई भी साबुन, अपना रेगुलर सोप, फैंसी हनीसकल सोप या फिर आर्टिसन पेपरमिंट सोप, कोई भी साबुन किसी भी वायरस को एब्सोल्युटली मार देता है, फिर वह कोरोना वायरस ही क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे। वायरस या कोरोना वायरस कुछ ऐसा दिखता है जो प्रोटीन और फैट की कोटिंग से घेरा होता है, इसीलिए वायरस आसानी से आपके हाथों पर चिपक जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ पानी से अपने हाथ धोते हैं तो पानी वायरस के ऊपर से चला जाता है। वायरस पर फैट का जो लेयर होता है उसकी वजह से वायरस एक ऑयल के ड्रॉप की तरह होता है। इस डेमोंस्ट्रेशन में क्या होता है देखिए। क्या होगा जब ऑयल को पानी में डाला जाए? ऑयल पानी पर तैरने लगेगा, यह मिक्स नहीं होता। लेकिन अगर इसमें साबुन को मिलाएंगे तो? जी हाँ, ऑयल पानी में एकदम से घुल मिल जाता है, क्योंकि साबुन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वह एक तरफ पानी को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरी तरफ फैट को। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे कोरोना वायरस पर। वायरस पर जो फैट का लेयर है, जब यह साबुन के संपर्क में आता है तो साबुन उस फैट को बाहर की तरफ खींचता है। साबुन लिटरली पार्ट को खींचकर वायरस को ध्वस्त कर देता है। और बाद में पानी से हाथ धोने पर पानी वायरस के टुकड़ों को बहा देता है। लेकिन ऐसा कब होगा, यह जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा होने के लिए कुछ निश्चित समय तक आपको हाथ धोना पड़ेगा। आपने वो एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी। मम्मी कहती है फुल एक मिनट तक हाथ धोने चाहिए, नहीं तो कीटाणु नहीं जाते। धोते जाओ। जी हाँ, एक मिनट तो नहीं पर 20 सेकंड्स टू बी स्पेसिफिक। यह साबित करने के लिए देखिए, वायरस इसके फैटी लेयर को तोड़कर मारने के लिए इस लोशन का उपयोग किया तो यूवी लाइट में यह ग्लो करता है। अगर आप सिर्फ रेगुलर पानी से हाथ धोते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स तक हाथ धोगे फिर भी वायरसेस अभी भी आपके हाथ पर ही है। लेकिन 20 सेकंड तक हाथ धोने के बाद देखें तो अब साबुन ने एक्चुअली वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हैंड सैनिटाइजर भी काम करता है, क्योंकि मोस्टली इसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल भी उसी तरीके से फैटी लेयर को तोड़ देता है। लेकिन इसके लिए उस सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए। फिर भी CDC ने साबुन के इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अगर आपके हाथ स्वीटी या डर्टी हो गए और आप सैनिटाइजर यूज करते हो तो यह उसे पतला कर देता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देता है। और साबुन की बात करें तो कोई भी आपका पुराना साबुन भी काम करता है। आपको मार्केट में मिल रहे किसी एंटीबैक्टीरियल साबुन की भी ज़रूरत नहीं है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यह कहा है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि एंटीबैक्टीरियल साबुन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 20 सेकंड्स तक हाथ धोना है। धोते जाओ। इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।